भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को यहाँ पर बुलेट ट्रेन से कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर काफी अच्छा प्रपोजल एनएचएसआरसीएल यहाँ पर काम कर रही है। एनएचएसआरसीएल यहाँ पर दिल्ली को भी, भारत की कैपिटल सिटी को भी कनेक्ट करना चाहती है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से। इस काम को अंजाम देने के लिए अब इन्होंने काफी सारे काम भी शुरू कर दिए। इनफैक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद यहाँ पर गुजरात को एक दूसरी बुलेट ट्रेन मिलने वाली है, विच इज अहमदाबाद दिल्ली रूट। यहाँ पर इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और एक डीपीआर तैयार किया जाएगा कि कैसा इसका अलाइनमेंट होगा। वैसे तो ऑलरेडी काफी लंबे समय से यहाँ पर डिसाइडेड ही था कि ये जो कॉरिडोर होगा तो यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, फिर अहमदाबाद, ऐसा पूरा ये कॉरिडोर होगा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, तैयार किया जाएगा। इन सब की जानकारी यहाँ पर हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इन्फॉर्मेशन एक रिटर्न रिप्लाई दिया है टू पार्लियामेंट। यहाँ पर उन्होंने कहा कि करेंटली अभी फिलहाल भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ही ओनली सैंक्शन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है अभी फिलहाल, लेकिन अभी इसको रैपिडली एक्सपैंड किया जाएगा और भी काफी सारे हम डीपीआर तैयार कर रहे हैं, जल्द ही इन पर भी काम शुरू होने वाला है। नाउ अब फ्यूचर कॉरिडोर्स की बात करें तो यहाँ पर फिर दिल्ली वाराणसी तक जाएगा, फिर दिल्ली अमृतसर, दिल्ली अहमदाबाद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर मुंबई नागपुर, इस पर भी अब काम शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे प्रोग्रेस हमें देखने मिल रही है, कुछ स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी सर्वेस और भी काफ़ी सारी काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। फिर मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर, वाराणसी हावड़ा, ऐसे तमाम सारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी फिलहाल प्लान किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मीनवाइल भारत के फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर लैंड एक्विजिशन एक काफ़ी बड़ी अड़चन बन के रहा था, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी अच्छी सक्सेस मेंटेन की है। 1396 हेक्टर में से 1193 हेक्टर ऑफ लैंड को ऑलरेडी मिनिस्टर ने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है फाइनली। और फिर दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत थी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को लेकर, बिकॉज काफ़ी एक्टिविस्ट लोग यहाँ पर आ जाते हैं, सो इसको भी अब पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन जोन दैट मीन्स CRZ और फॉरेस्ट्री के जितने भी स्टेचुटरी अप्रूवल्स थे सब मिल चुके हैं, सब हो चुका है। ये जो प्रोजेक्ट है इससे कुल 27 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। करंटली 12 पैकेजेस तो ग्रांटेड भी कर दिए हैं, जिसमें से 3 आर बीन इवेल्युएटेड और 4 को अभी यहाँ पर टेंडर भी दे दिया गया है। वहीं टोटल किलोमीटर्स की बात करें तो 343 किलोमीटर सेक्शन के लिए सिविल वर्क्स भी काम शुरू हो चुका है गुजरात और दादरा नगर हवेली में। सो होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा यहाँ पर डीपीआर भी अब जल्दी तैयार हो जाएगा, सो अहमदाबाद को यहाँ पर उसकी दूसरी बुलेट ट्रेन मिल सकती है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।